अगर किसी को फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर हो गया है तो उसकी पहले हम एज पता करते हैं, अगर वो यंग पेशेंट है तो उसको हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ यानी कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट की तरफ एडवाइस करते हैं। अगर वो फ्रैक्चर सैल्वेजेबल है यानी कि अगर वो ऑपरेशन से फिक्स हो सकता है तो हम इसके अंदर सीसी स्क्रू या फिर मिनी डीएचएस करके फिक्स करते हैं, पर वो एक गोल्डन पीरियड यानी कि बहुत ही अर्ली स्टेज, मतलब आपका गिरने से लेकर के ऑपरेशन के बीच में 6 से 8 घंटे से का अंतराल होगा तो ही सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर उसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि दोस्तों कि अगर आपका ऑपरेशन समय पर नहीं हुआ या फिर सही से नहीं हुआ तो आगे जाके एवीएन के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको एवीएन के बाद फिर अल्टीमेटली टीएचआर कराना ही पड़ता है। अगर आपकी एज 40-50 ईयर्स है और आपको फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर हुआ है तो मेरी एडवाइस ये रहेगी आपको कि आप प्राइमरीली हिप रिप्लेसमेंट की तरफ ही जाएं, क्योंकि आज जो ऑपरेशन किया जाएगा आपका वो लाइफ टाइम चलने के लिए उस तरह के इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़, अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है, मोर देन 70-75-80 ईयर्स की एज है और पेशेंट गिरने से पहले उसकी मोबिलिटी बहुत कम थी यानी कि अपना खुद का काम करते थे, टॉयलेट जाते थे, बेड पे आते थे, बेड से खाने के टेबल पे जाते थे, उतना ही अगर मोबिलिटी थी तो इसके अंदर टोटल हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हम बायपोलर हेमीआर्थ्रोप्लास्टी यानी कि सिर्फ बॉल को चेंज करके भी बाहर आ सकते हैं, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, बस उसकी एज 10 से 15 साल की होती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट की एज जो होती है वो 35 से 40 साल की होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट वी डिसाइड कि इसको कौन सा ऑपरेशन की आवश्यकता है। तो अगर किसी पेशेंट को आपकी नॉलेज में जिसको फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर हुआ है तो वो आज ही अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करे कि उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट या फिर बायपोलर हेमीआर्थ्रोप्लास्टी।